खबर ग्वालियर से, जहां जीआरपी ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से विदेशी करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक यूपी के महोबा का रहने वाला है, जिसके पास से म्यांमार के नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस युवक के पास ये नोट आया कहां से। दरअसल झांसी की ओर से ग्वालियर की आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एक टीटी ने जीआरपी को सूचना दी कि एक संदिग्ध युवक A1 एसी कोच में यात्रा कर रहा है, जिसके पास भारी मात्रा में विदेशी करेंसी है। ट्रेन जैसे ही ग्वालियर स्टेशन पर पहुंची, पहले से मौजूद जीआरपी की टीम ने उसे पकड़ लिया और जब तलाशी ली गई तो उसके पास से नोट बरामद हो गए। युवक के पास से 10 से लेकर 2 रुपए के करीब 37,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। नोटों पर म्यांमार का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। फौरी तौर पर पुलिस आशंका जाहिर कर रही है कि या तो किसी विदेशी का पैसा गिर गया या फिर चोरी हो गया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुशील कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, क्या मामला है, युवक ने पूछताछ में क्या बताया है? देखिए, अभी फिलहाल युवक ने पूछताछ में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। इसका कहना है करेंसी और ये पर्स और मोबाइल उसे ट्रेन में मिला है और ये दोनों अलग अलग लोकेशन से उसे मिलना बताया है, लेकिन जीआरपी फिलहाल उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही है और पूछताछ के लिए जीआरपी आज उसे कोर्ट में पेश करेगी, जहां से रिमांड पर लेगी। क्योंकि ये सबसे अहम बात ये है, ये विदेशी करेंसी का मामला है, संभवतः किसी विदेशी का चोरी किया हुआ पर्स हो सकता है जिसमें ये करेंसी रखी हो, या फिर कोई वारदात हुई हो जिसमें विदेशी के साथ कोई वारदात हुई हो। इन सब तथ्यों को लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव को पकड़ा, तो उसके बाद पुलिस ने जो इससे लगातार पूछताछ की है और हर तरह से पुलिस अफसर जो है इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखे हैं ताकि किसी तरह की कोई गफलत ना हो। शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए।